आज हम बनाने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्ट्रेट, वो भी वाटर कलर से। तो गाइस आप बताना आप इसका कितना फैन हो। मैं तो इनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो गाइस चलते शुरू करते आज का वीडियो। और हाँ गाइस, ये वाटर कलर से होगा तो पोर्ट्रेट कैसा होता है, मैं फेस में कैसा कलर यूज करता हूँ, तो पूरा देखना। तो गाइस चलते शुरू करते आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मेरा आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा वाटर से एक बार भिगा लिया पूरा वॉल को। उसके बाद मैं बैकग्राउंड को कलर करने के बाद मैं फेस में आया। गाइस मैं फेस में तीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली गैम्बोज, स्कारलेट और योलो कलर। इन तीन ही कलर को यूज़ करके मैं ये पूरा करूँगा। गाइस मैं बंसाइना को यूज़ में लेता हूँ पर बहुत ही कम, क्योंकि उसका जो कलर इफेक्ट है वो थोड़ा सा फीका है, इसलिए मैं उसको बहुत ही कम यूज़ में लेता हूँ। सो गाइस फेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम सीधा आ जाएंगे हमारे आईज पे। सो गाइस आप जब कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी पिक्चर ड्रॉ करें, आप जो रेफरेंस ली है उसको फॉलो करके ही उस पर कलर को अप्लाई करिए। इससे क्या होगा, आपका जो रेफरेंस का कलर और इसका कलर है तो वो सेम हो जाएगा। कलर समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, आपका प्रैक्टिस पे ये पूरा डिपेंड होता है आप कितने जल्दी कलर को समझोगे। तो गाइस प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, टाइम दो अपने वर्क पे। गाइस जो मेरा स्ट्रोक है मेरे ब्रश का, तो उस स्ट्रोक को फॉलो करना, मैं किस तरह से किस लाइन पे जा रहा हूँ। तो गाइस यही एक टेक्निक होता है अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। वीडियो अगर धमाकेदार लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। आप लोग 60% लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हो लेकिन आप लाइक कमेंट नहीं करते हो। गाइस बहुत ही बुरा लगता है लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। और हाँ गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है चैनल पे, तो गाइस चैनल पे जो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर देना, पास में रहना बेल आइकन को क्लिक करके। सो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।